जी का डंका इस समय भारत में, और तस्वीरें राजघाट की दिखा रहे हैं जहां पर G20 के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, एक साथ नमन किया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और पीछे लगातार धुन बज रही है राष्ट्रपिता का जो पसंदीदा गीत रहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। इस गीत ने समा बांधा, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अर्पित की श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को। आज आखिरी दिन है G20 सत्र का, कुछ देर में मंडपम में ये सत्र की शुरुआत हो जाएगी, वन फ्यूचर को लेकर मंथन होगा, लेकिन उससे पहले समाधि स्थल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, उन्हें नमन किया राष्ट्रपिता को। इस दौरान सबका भव्य स्वागत प्रधानमंत्री ने किया, खादी का स्टॉल देकर, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे ऋषि सुनक, ब्रिटेन के PM, इतने सरल और सहज हैं कि पहले उन्होंने पूछा कि क्या मैं अक्षरधाम में दर्शन पूजन कर सकता हूं, तो कितने बजे का समय है। बहरहाल उनकी इस बात के बाद तुरंत अक्षरधाम मंदिर के लिए उनको लाया गया, उन्होंने वहां बाहर जूते उतारे और उसके बाद नंगे पैर वो अंदर गए, उन्होंने संतों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की, उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद रही, सादगी का परिचायक ब्रिटेन के PM और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो आते रहेंगे अक्षरधाम में दर्शन करने के लिए। आज बारिश लगातार रिमझिम बरसात हो रही है दिल्ली में, ऋषि सुनक की इस इच्छा के बाद अक्षरधाम मंदिर वो पहुंचे, उन्होंने अपने जूते उतारे, मंदिर गए और हर जगह उन्होंने पुष्प अर्पित कर पूजन भी किया, मंदिर के संतों से बातचीत भी की, और जाते जाते ये भी कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो अक्षरधाम मंदिर जरूर आएंगे। चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राजकुमार, इस समय कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं भारत की शक्ति का, नए भारत की उड़ान का, उसकी ऊंचाइयों का। तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब राष्ट्रपिता की समाधि के चारों ओर जुटते हैं, उन्हें एक साथ नमन किया जाता है, तो ये ऐतिहासिक तस्वीर अब हमेशा हमेशा के लिए अंकित है इतिहास के पन्नों में। बिल्कुल पूजा, मैं इस समय अपनी लोकेशन बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं, ये गीता कॉलोनी पड़ती है यहाँ पे, उसका फ्लाईओवर है, और मेरे दाएं हाथ पे अगर देखेंगे ये रास्ता जो है ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी जो है ये जोड़ती है, इसके दूसरी तरफ जो है वो राजघाट है, और बिल्कुल दुल्हन की तरह, मतलब एक तरह से ये मानिए कि सिक्योरिटी को लेके इतना मजबूत व्यवस्था की गई है कि किसी भी परिंदे को भी पर मारने की जो आज़ादी है वो शायद नहीं है, और दिल्ली पुलिस जो है नोडल ऑफिसर के तौर पे है, मेरे इधर देख सकते हैं आप सारे वॉलंटियर और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने यहाँ पर भी ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर भी ये कैंप इसलिए बनाया है कि ताकि यहाँ से भी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। और ये मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये जो रास्ता है, देखिए यमुना नदी के ऊपर जो बिल्कुल ब्लॉक है, जो बिल्कुल बीचों बीच है, वो भी बैरिकेड बनाया हुआ है ताकि कोई वाहन अगर गलती से आ भी जाए तो रोका जाए। एक 5 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ भी ये आयोजन हो रहा है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में वो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही ना रह जाए। इसी पे अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे 3 किलोमीटर पीछे तो अक्षरधाम मंदिर है जिसकी बात कर रहे थे ऋषि सुनक, आज अपनी पत्नी के साथ उसमें पूजा अर्चना करने के लिए आए थे, बहुत ही शानदार। देखिए मौसम भी कहीं ना कहीं पूजा हमारा साथ दे रहा है, कल से इतना खुशनुमा माहौल है, आज भी सुबह से बारिश हुई थी, कल रात भर बारिश होती रही, आज 9:45 तक जो हमारे अतिथि हैं वो रहेंगे, आज रात का डिनर भी यहीं पे सहभोज करेंगे, उसके बाद चीज़ें वो अपने अपने जो देश के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा जो आयोजन है, इस अगर आयोजन की बात करूँ मैं, कल जिस तरीके से आतंकवाद पर चोट की गई है
और उसका जो एक मसौदा जो तैयार किया गया है G20 समिट का, उसका जो निचोड़ है कि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले दोषियों पर भी किसी भी तरीके की जो है वो ढिलाई ना बरती जाए, क्योंकि आतंकवाद हमें कहीं ना कहीं विकास को रोकता है। और बहुत बेहतर तरीके से इमोशनली कैसे हम किसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद किसी का साथी नहीं है, ना ही उसके बलबूते पर आगे बढ़ा जा सकता है, ना ही चीज़ों को आगे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक जो मैसेज है उस मैसेज को हमें समझने की आवश्यकता है, और पूरे जो तमाम जो देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो शायद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। और पूजा, आज जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण, वन अर्थ एक जमीन, पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं एक ज़मीन पर है, तो एकाग्रता की तरफ, मतलब हम सब एक हैं, मतलब हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस संस्कृति को आप भले ही अपनाइए मत, लेकिन उसका अपमान भी मत कीजिए, और उसको कहीं ना कहीं बाहें पसार के आगे बढ़िए। हम लोग अपने अतिथि को भगवान का, देवता का दर्जा देते हैं, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये जो सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम किए गए हैं ये भी इसलिए किए गए हैं कि हिंदुस्तान लगातार बढ़ रहा है, और तमाम तरीके हमारी इतनी नोडल एजेंसियां जितनी भी हैं वो तमाम एजेंसियां इस पे नज़र बनाए हुए हैं। 3 दिन तक दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, कोई भी जो हवा में कोई भी जो ड्रोन है, ड्रोन भी उड़ाने से सफल तो है ही, लेकिन पहले उन तस्वीरों को देख लेते हैं और उन तस्वीरों को समझ लेते हैं। इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं राजकुमार, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनके मूल में भारतीयता है, उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, उनके मूल में भारतीयता है, और कितने सहज अंदाज के साथ जब वो ये बात कहते हैं कि मुझे दर्शन करने हैं, मैं कब कर सकता हूं दर्शन, ये उनकी सरलता का एक बड़ा पैमाना। फिर वो पहुंचते हैं और नंगे पैर जाते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, एक एक मूर्ति पर वो और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी, पुष्प अर्पित करते हैं, बहुत सहजता के साथ संतों के साथ बात करते हैं, और ये भी कहते हैं जाते जाते कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अक्षरधाम आऊँगा दर्शन पूजन करने के लिए। तो ब्रिटेन के PM, एक बड़ी शख्सियत, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की मान्यताओं को सभी प्रणाम करते हैं राजकुमार, और तस्वीरें वास्तव में जो हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये अप्रतिम तस्वीरें हैं। देखिए पूजा, अगर ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक के थोड़ा सा अतीत में चले जाइए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया अपना, एक आम आदमी बन के, मतलब जनता के बीच में किस तरीके से जाना चाहिए। देखिए भावनात्मक लगाव, भावनाएं जो है ना उनका कोई मोल नहीं हुआ करता, और इस बात को ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसका कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए, आके यहाँ पे उन्होंने राज किया, आज उस देश के जो सबसे समृद्ध जो संवैधानिक पद है उस पर भारतीय मूल और भारतीय सोच और भारतीय समझ के लोग अगर उस पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार, आदमी का व्यवहार जो है ना वो व्यक्तित्व उसके हमेशा साथ चलता है। तो ऋषि सुनक ने जो जिस तरीके, जिस सहजता से वो आए, क्योंकि देखिए जब हम कहीं ना कहीं भगवान के दर पे जाते हैं तो वहाँ कोई अहम नहीं होता, और उस अहम को पाल के भी नहीं रखना चाहिए इस बात को, क्योंकि भारत में आने के बाद जो जितने भी G20 देश के जो नेता हैं, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से अगर सारे देशों की बात करेंगे तो 40-45 देश बैठ जाएंगे, और 9 जो देश हैं वो उनके जो राजनयिक हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे आए हैं। तमाम एक भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, और अतिथि का आतिथ्य जो है, जब हम कहीं जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो जिस तरीके से उनका सम्मान, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, चाहे हम अपने विदेश मंत्री की बात कर लें, चाहे हम अपने शहरी विकास मंत्री की बात कर लें, तमाम मंत्रियों को एक टीम की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, तमाम जो हमारे राजनयिक हैं, चाहे हम कृष्णकांत की बात कर लें जो शेरपा हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया, और सूत्रों के हवाले से एक खबर और निकल के आ रही है कि ये जो मसौदा था, इस मसौदे को तैयार करने में 1 साल का समय लगा है, 1 साल, 60 से ज़्यादा शहरों में, 200 से ज़्यादा मीटिंग, उन मीटिंगों में तमाम तरह के जो मंथन है, चिंतन है, मनन है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और तमाम
जो लोग हैं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को किस तरीके से लाभ हो, इन सारे सिस्टम में एक आईएएस अधिकारी जो लगे हुए थे उनको भी बहुत साधुवाद। और बहुत बेहतरीन बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर उनकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक जो बयान है उस बयान में शशि थरूर का जो बयान आया है उस बयान को अगर अखबारों में देखें तो क्योंकि प्रिंट मीडिया ने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को ईजाद किया है, बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। शशि थरूर ने कहा है कि जो आईएएस बने कृष्णकांत वो अगर आईआरएस होते तो शायद एक बहुत बेहतरीन राजनयिक होते। और ये जो पूरी रणनीति है, देखिए सारे देशों के जो समृद्ध लोग हैं, अगर रूस के राष्ट्रपति नहीं आए हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री आए हैं, तमाम किसी भी देश ने इसका बायकॉट नहीं किया है। चीन हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार रखता है, किस तरीके की चीज़ें, एक अदावत स्वाभाविक तौर पर रहती है और वो हमेशा एक रहती रहेगी भी। लेकिन एक बहुत सामंजस्य हिंदुस्तान ने अपना एक रास्ता बनाने का प्रयास किया है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इनकी कितनी बड़ी सोच रही होगी। सामने अब आ रही हैं ये तस्वीरें, वास्तव में बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं जिनको देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो सहज भाव में सामने आ रहा है। कि करके तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाते हैं अपने तमाम दर्शकों को कि जो ब्रिटेन के पीएम हैं वो किस तरह से पहुंच रहे हैं अक्षरधाम मंदिर में और पूरा घुटना टेक कर माथा टेक रहे हैं। उसके बाद संतों से उन्होंने मुलाकात भी की, संत उन्हें तिलक लगाते हुए, और ये देखिए कैसे, ये वास्तव में बहुत सुंदर तस्वीर है और ये वही कर सकता है। ये वो तस्वीरें हैं जो ये वही कर सकता है जिसके मूल में भारतीयता होती है। तो ऋषि सुनक ने जब ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ अक्षरधाम मंदिर और क्या कब समय हो सकता है, ये कितनी बड़ी बात है कि किसी राष्ट्र का अध्यक्ष ये कह रहा है, ये पूछ रहा है, अनुमति मांग रहा है कि मैं कब दर्शन कर सकता हूँ। बहरहाल तुरंत अक्षरधाम मंदिर के लिए रवानगी उनकी हुई और हर वहाँ जूते उतारे उन्होंने, वो अंदर गए और वहाँ पर दर्शन पूजन किए। और ये तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं वो भारत की धमक, भारत की चमक हम तक पहुंचा रही हैं। एक छोटा सा अंतराल, इस सबसे बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्र अध्यक्षों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम मोदी ने सभी नेताओं का राजघाट पर स्वागत किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किए, पत्नी अक्षरा के साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में G20 की बैठक का दूसरा दिन, पहले दिन मंडपम में कई फैसलों पर सहमति, G20 के देशों ने बनाई सहमति। सर्वोकॉन सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम, सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। और G20 की गौरवशाली यात्रा लगातार जारी है और दिल्ली के मंडपम में आज दूसरा दिन रहेगा। वन थीम जो है, वन फ्यूचर, इस थीम पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्हें नमन करने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की। एक साथ खड़े होकर G20 के अध्यक्षों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने, बड़ी बड़ी ताकतों ने, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सबका स्वागत किया, उन्हें खादी का स्टॉल पहनाया और उसके बाद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपिता का पसंदीदा जो भजन था वैष्णव जनते, वो लगातार चलता रहा। फूलों के साथ साथ सजावट राजघाट की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सुरक्षा के चाक चौबंद अभूतपूर्व इंतजाम, दुनिया एक परिवार, इस थीम के साथ G20 के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है G20 समिट का, लेकिन उससे पहले अमेरिका, जापान, फ्रांस समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद और सुबह राजघाट पर पहुंचे राष्ट्राध्यक्ष
वर्ल्ड लीडर्स ने बापू को नमन किया। लंबी कतार राष्ट्राध्यक्षों की जो पहुंचे बापू को नमन करने, एक साथ पहुंचे राष्ट्रपिता की समाधि पर। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से। तस्वीरें तो हम खूब दिखा रहे हैं राजकुमार, साथ ही हम ये सब जानते हैं कि समय पूरी दिल्ली जो है छावनी में तब्दील हो गई है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही व्यापक इंतजाम है और ये दिल्ली के लोग भी समझते हैं कि समय किस ऐतिहासिक उड़ान के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर इस सुरक्षा के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़े तो लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तो चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे कि सुरक्षा बहुत टाइट है, जो लोग गुजर रहे होंगे थोड़ी तो परेशानी हो रही होगी, लेकिन इस समय जन जन के दिल में जोश है, जज्बा है G20 के इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इस गौरवशाली यात्रा को लेकर। तो थोड़ी सी जो कष्ट हमें सहना पड़ रहा है, थोड़ा सा भी जो परेशानी हमें सहनी पड़ रही है, मंजूर है हमें सहर्ष। देखिए पूजा, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, अगर श्रेष्ठ बनना है तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत दर्द जो है वो सहने की आदत जरूर डालनी पड़ेगी। और लेकिन एक बात जरूर तय है, देखिए मैं एक बार फिर दोबारा अपने दर्शकों को हम लोग दिखाएं कि मैं केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, मेरे दूसरे छोर पर इस समय राजघाट है, जहाँ पे इस समय ये सारे तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो इस समय वहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहाँ पे एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बजे तक का इसका समय मुकर्रर है और इस किनारे पर हम हैं। तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को कहीं ना कहीं लोगों को निकलने के लिए, लोगों को घर से निकलने के लिए एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले की कि यदि जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिए। कल हम लोग कई स्थानों पर गए, कई मेट्रो स्टेशन्स पर गए, कोई भी मेट्रो स्टेशन, केवल सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन को छोड़कर जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें तमाम मेट्रो स्टेशन जो है वो खुले हुए थे। RTO के मेट्रो स्टेशन पर हम लोग जब पहुँचे तो आप ये देखिए कि आधे घंटे के अंदर केवल 5 लोग उससे बाहर आए मेट्रो स्टेशन से। तो कहीं ना कहीं एक जनता भी समझती है कि ये जो आयोजन है, इन आयोजनों से सड़क पर जाकर परेशान होने से बेहतर ये है कि घर में बैठकर कुछ चीज़ें समझी जाएं, कुछ चीज़ें अपडेट की जाएं। और कोरोना काल के दौरान देखिए, जब कोरोना काल के दौरान जब हम पूजा रिपोर्टिंग कर रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके का नज़ारा दिखता था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रास्ते ऐसे हैं दिल्ली के कि जो खुले हुए हैं, पूरा रिंग रोड। यदि किसी व्यक्ति को सपोज कीजिए नोएडा से चंडीगढ़ जाना है तो पूरे का पूरा रास्ता बिल्कुल पूरे तरीके से खुला हुआ है कि वो यहाँ से गीता कॉलोनी से निकल के, ये पीछे पुल है, और इस पुल से निकल के बाहर सीलमपुर होके सीधा अपना वो हनुमान मंदिर की तरफ से आगे निकल सकते हैं। केवल उन्हीं रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है जिन रास्तों के बीच में वो अपना आयोजन हो रहा है, क्योंकि प्रगति मैदान जो हमारा पहला पुराना प्रगति मैदान था, उस प्रगति मैदान के अंदर ही भारत मंडपम का वो जो स्थल है जो बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है, उसके आसपास का जो एरिया है पूरा लुटियन जोन, अगर हम लुटियन जोन की बात करें, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद और उनके सबके आवास वहीं पर पड़ते हैं, सारे जितने भी राजनयिक हैं उनके सबके दूतावास वहीं पर हैं। तो जो 5 किलोमीटर का एरिया है, केवल उस 5 किलोमीटर के एरिए को ब्लॉक किया गया है कि ताकि वहाँ से लोग ना जाएँ। उसके अलावा जिन गाड़ियों के ऊपर पास हैं उन गाड़ियों को जाने की अनुमति है। और 12:30 बजे के बाद जैसे ही सारे लोग राजघाट से निकलकर अपना भारत मंडपम पहुंचेंगे जहां पर ये आयोजन हो रहा है, उसके बाद तमाम जो रिंग रोड हैं राजघाट के सामने वाला जो रास्ता है, जानकारी ये मिल रही है कि उसको भी पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली वालों का कितना बड़ा दिल है, दिल्ली की जनता ने जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अपील जो है उसका आदर किया है। 140 करोड़ की आबादी का देश है और दिल्ली जो है उसमें बहुत जगह से लोग आके रहे हैं, तो दिल्ली को हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली को पूरे राष्ट्र की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि तमाम जो 28 प्रदेश हैं उनके लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग सोच के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये जरूर पता है कि एक G20 का आयोजन हो रहा है। एक वर्ष से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी तमाम पूरे देशों में, तमाम जो भी एक भी प्रदेश ऐसा नहीं। देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जितने मुख्यमंत्री हैं उनको आमंत्रित किया उस सहभोज में, और
वहां पर उनका बुलाने का मकसद क्या था? बुलाने का मकसद ये था कि आइए और आकर मिलिए, बात कीजिए अपने प्रदेशों में, आपके प्रदेशों में कल को ये आएंगे, आके इनके यहाँ की कंपनियां आएंगी, वो स्थापित होंगे, गारंटी मैं हूँ, प्रधानमंत्री गारंटी बने हैं उन मुख्यमंत्रियों की। तो एक बहुत भावनात्मक, मतलब ये जो आयोजन है, इस आयोजन को शायद शब्दों में समेट देना मुझे लगता है कि शायद उसके साथ नाइंसाफी होगी, और एक भावनात्मक लगाव, क्योंकि अब हम भारत उड़ रहा है, हम लोग चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, सूरज की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हैं, तो एक डायमंड पीरियड जो है वो हिंदुस्तान का वो चल रहा है, और पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों में जाकर एक छवि बनाई है, एक रेस्पेक्ट अपनी कायम की है। एक छोटी सी घटना अगर यूक्रेन की बात करें, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पूरा आयोजन है, जो ऐतिहासिक आयोजन है, इसे एक शब्द में पिरोना बहुत मुश्किल है, इसे पिरोना ही मुश्किल है, तभी तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये भारत की कूटनीतिक, ये भारत के आध्यात्म, ये भारतीयता की जीत है, और पूरा डंका इस समय भारत का बज रहा है पूरे विश्व में। एकदम पूजा, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, पूरा हम लोग जो है वो उसकी जो थीम दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो आयोजन की जो टीम थी, उस टीम ने कितना मंथन चिंतन मनन उस पर किया है। आज जो एक आयोजन हो रहा है जिसमें चर्चा होगी वन अर्थ, कोई सोच सकता है व्यक्ति जो है वो अपने आप से बाहर निकलने की दिशा में नहीं है। कोरोना काल के दौरान कैसी महामारी आई, एक अदृश्य दुश्मन जो था वो बिना दिखे हुए लोगों के को अपना शिकार बना रहा था, और किसी के पास कोई सोच नहीं थी। तो ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन को अगर निचोड़ में कहें, क्योंकि कल से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जो जितनी समझ है अपनी समझ के मुताबिक हम अपने दर्शकों को जरूर ये बात जरूर कहेंगे कि एक बात जरूर तय है कि हिंदुस्तान ने एक रास्ता दिया है, जो महाशक्तियाँ हैं उनको ये कहा है कि केवल प्रॉफिट के लिए मत जुड़िए, केवल फायदे के लिए मत जुड़िए, अगर जुड़ना है तो सुख और दुख सब में बराबर जुड़िए और भावनात्मक तरीके से जुड़िए, क्योंकि एक कॉरिडोर जो बनेगा, अगर बात करें क्योंकि आतंकवाद का जो जिक्र उसमें हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये जिक्र होगा आने वाले समय में, क्योंकि 19वां आयोजन ये हो रहा है, अब से 18 आयोजन पहले 9 बार आतंकवाद का जिक्र हुआ, 4 बार रूस यूक्रेन का जिक्र किया गया। बिल्कुल, इस तरीके के आयोजन में जबकि ऐसा होता नहीं है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई हमारी सर जमीन पर ये आयोजन हो रहा है तो हम अपनी बात रखें, लेकिन नहीं, अपनी बात नहीं, जहाँ पर लोग हताहत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यूक्रेन की बात की कि इस युद्ध में कुछ नहीं है, इस युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात मुझे ज़रूर याद आती है पूजा, कि जब हमारे यहाँ के छात्र जो थे वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसिया के राष्ट्रपति को फ़ोन किया, व्लादिमीर पुतिन को, और वो हवाई जहाज वो निकला, कुछ समय के लिए युद्ध रुका। तो जब कुछ समय के लिए युद्ध रुक सकता है तो युद्ध परमानेंट क्यों नहीं रुक सकता, इस पे चिंतन मंथन मनन हुआ है और समझने का प्रयास किया है कि व्यापार अगर करना है तो बाहें पसार के करिए, दिल मिला के करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए राजकुमार, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।